शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मनोहर की जान ले लेंगे, कहाँ है वो? वो घर छोड़ के भाग गया दादी। वो चला गया ना, अब ये भी घर से बाहर निकले। मैं अब क्या करूं? ये भी घर से निकले। अम्मी, बाहर निकले। अम्मी, बाहर निकले। अम्मी, अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? हाँ, वो हीट स्ट्रोक हुआ या जनरली पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं? अब चंपा को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? उसने क्या किया है? कुछ तो किया ही होगा ना ध्रुव, बिना हवा दिए आग नहीं भड़कती है। इसने मनोहर को हवा दी होगी, तभी मनोहर ने इसके साथ कुछ गलत किया। जब जबरदस्ती उन्होंने की तो चंपा की क्या गलती है? मनोहर ने जबरदस्ती की, ऐसा किसी ने अपनी आंखों से देखा? आपने भी तो नहीं देखा ना, तो आप कैसे कह सकते कि मनोहर ने जबरदस्ती नहीं की? मैंने देखा। गलती मनोहर की थी। विक्रम, मनोहर हमारा चचेरा भाई है और वो इतना सीधा है ना कि तुम सब उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करते हो लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। हमारी शादी से लेकर आज तक वो इस घर में काम करता आ रहा है, लेकिन मजाल है किसी लड़की की तरफ उसने आंख उठाकर देखी हो तो फिर इस नौकरानी में। अरे इस नौकरानी जी, कौन से हीरे जड़े हैं जो हमारा मनोहर इसकी तरफ खिंचता चला आएगा? अरे इस नौकरानी ने ही उस पर डोरे डाले होंगे। माधुरी देखो ना, अब जेठानी जी देखिए, ब्याहता है लेकिन ब्याहता होती हुई भी पराए मर्दों के आगे घूंघट नहीं करती है। ये सबसे हंस हंस के बात करती है, ये अपनी बड़ी बड़ी आंखें पराए मर्दों की आंखों में डाल के उनसे बतियाती है। और लोकलाज, अरे लोकलाज तो दूर दूर तक नहीं है। अरे तो फिर कोई भी मर्द कहेगा ना कि ये मुझ पे डोरे डाल रही है। कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? अब हमको समझ आया कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के क्यों चला गया है। जब किसी लड़की के चरित्र में खोट होता है ना, तो उसका पति उसके साथ लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। माधुरी क्या बोले जा रही हो? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो चाची, ऐसी लड़कियों पे भरोसा तो नहीं कर सकते। दामाद जी, जब सर पर पति का साया होता है ना, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती है। माधुरी जेठानी जी, लेकिन जब गुलाब को माली ही छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? तोड़ने तो बाहर वाले लोग ही आएंगे ना। जो कुछ भी हुआ वो हमारे साथ हुआ और अब हमें गलत कर गए। तो क्या हम गलत हैं? हम गलत हैं, तुम बताओ। आपको सच में ऐसा दिखता है कि हमारी बातों के बाद हमारे कपड़ों की गलती है? बताओ आपको किसकी गलती है, हमारी गलती है क्या? प्लीज आप शांत हो जाइए। सुनो, राम जी ने रूप दिया है ना, तो उसको संभाल के रखना। किसी के पास अगर 100 रुपये का नोट होता है ना, तो उसको जेब में रखना चाहिए, हवा में लहराते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कोई छीन लेगा। और तू तो 2000 का नोट है। सुन, लड़की को ना लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहिए। लक्ष्मण रेखा पार की तो क्या है फिर, बाहर तो रावण ही रावण भरे बैठे। बस माधुरी, हालत तो देखो उसकी। और हमारे मनोहर की हालत जिठानी जी, सीधा साधा भोला वाला, आज तक वो काम करते आ रहा है लेकिन अम्मा जी, आज तक हमारे मनोहर ने कोई गलती की? अगर उसने कोई गलती की भी है तो इस लड़की ने ही उसको रिछाया होगा। मनोहर ने गलती की लेकिन माधुरी जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। एक लड़की की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। एक ब्याहता के 3 रक्षक होते हैं, उसका घूंघट, उसकी खामोश जुबान
और उसकी नीची नजरें। लेकिन तुम तो इन तीनों पहरेदारों को पहले ही छोड़कर आई हो, तो बताओ अगर घर का पहरेदार नहीं रहेगा तो चोर तो घुसेंगे ना चंपा? पति को छोड़ आने का क्या मतलब है, उससे दूर रहने का क्या मतलब है? और अगर दूर रहोगी तो ये सब तो होगा ही। और जिसका पति नहीं है उसका क्या? ये अपराध तो हर लड़की के साथ होता है ना दादी माँ, हर उम्र की लड़कियों के साथ। क्या 2 साल की बच्चियों की गलती होती है कि उन्होंने सर पे घूंघट नहीं रखा? क्या 70 साल की मुस्लिम महिला की गलती होती है कि उन्होंने अपनी नजर नीचे नहीं रखी? कोर्ट हमेशा लड़की के रूप में क्या देखा जाता है, जबकि कोर्ट तो पुरुष की नजर में है। इतना कुछ हो गया फिर भी इसकी जमान देखो कैसी की तरह चल रही है। माधुरी ठीक ही कहती है, तू जहां जाएगी मुसीबत तेरे पीछे आएगी। चल निकल इस घर से बाहर। उर्वशी इसका हिसाब कर, ऐसे काहे खड़ी है? जा तुरंत इस घर से बाहर, जा बाहर निकल, और मुसीबत नहीं चाहिए हमें इस घर में, निकल बाहर तुरंत। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। दादी, आपने मुझे बचपन से गलत के सामने खड़े होना सिखाया ना? अच्छा, आप गलत हैं। आज तू हमारे सामने खड़ा हो रहा है विक्रम। जी, लेकिन मैं अकेले नहीं हूं दादी, मेरे साथ आपके संस्कार और परवरिश है। वो संस्कार जिन्होंने एक लड़की की इज्जत करना सिखाया, वो परवरिश जिसने सही और गलत में फर्क करना सिखाया। और आज आप गलत हैं दादी, चंपा सही है।